ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि ये रेलवे ट्रैक नहीं कोई हाईवे है और इस पर तमाम गाड़ियों की सीधी टक्कर हो गई है और वो जहां तहां चित्राई हुई पड़ी है। तस्वीरें बता रही कि ऐसा भीषण ट्रेन हादसा ना अब तक दिखा है और ना आगे कोई इसे देखना चाहेगा। बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद करीब 1 किलोमीटर तक मलबा बिखरा पड़ा रहा, ट्रेनों का आवागमन बंद है। ट्रैक पर कोच के कब्रिस्तान जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। इस हादसे की ऐसी तस्वीर दिखाई दी जो अब तक कभी नहीं दिखाई दी होगी। हादसे के वक्त टूटी हुई ट्रेन की पटरी एक कोच का फर्श फाड़कर अंदर जा घुसी और वो कोच की छत फाड़ते हुए बाहर निकल गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार क्या रही होगी। बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा कितना भयावह और दर्दनाक है इसका अंदाजा हादसे की तबाह हुई जिंदगियों के अब तक के आंकड़े बता रहे हैं। उस हादसे में अब तक 280,000 लोगों की जान जा चुकी है। बालासोर में हुए इस भयानक ट्रेन हादसे में करीब 900 लोगों की वो घायल बताया जा रहा है जिन्हें फौरन नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है। सबसे बड़े ट्रेन हादसे में लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। राहत कार्य में सेना वायुसेना की टीमें तत्परता से जुटी हुई हैं, साथ ही एनडीआरएफ की 6 टीमें एसडीआरएफ और फायर विभाग की टीमें भी बचाव काम में लगातार सक्रिय हैं। बालासोर में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा कल शाम हुआ। बहानगा बाजार स्टेशन के पास एक ट्रैक पर मालगाड़ी पहले से खड़ी थी, इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल हो गई। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि डीरेल हुई कोरोमंडल का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस के तमाम कोच डीरेल होकर छिटक गए। इनमें से कुछ कोच पास की तीसरी पटरी पर जा गिरे। इसी दौरान तीसरे ट्रैक पर तेजी से आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस भी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगी से टकराकर डीरेल हो गई। 3 ट्रेनों की टक्कर का यह हादसा कितना भयावह है ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। डीरेल हुए कोच आसपास के ट्रैक पर छितराए हुए पड़े हैं, इनमें से कुछ एक दूसरे पर चढ़ गए। हादसे के बाद दोनों एक्सप्रेस ट्रेन में कई कोच पूरी तरह से पटरी पर पलट गए, कई कोच के पहिए तक छिटक कर अलग हो गए। यह हादसा कितना भीषण है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त जब कोच ट्रेन से छिटके तो कई बिजली के पोल से टकरा गए और लोहे वाले बिजली के पोल इस तरह मुड़ गए मानो वो लोहे नहीं फाइबर के बने हों, पटरियां टेढ़ी हो गई। हादसे में सबसे मजबूत माने जाने वाली पटरियों का भी बुरा हाल दिखाई दिया। काफी दूर तक रेलवे ट्रैक का हिस्सा धनुष की तरह मुड़ गया, साथ ही कई जगहों से पटरियां टूट गई। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की एक और भयावह तस्वीर देखने को मिली है। एक्सप्रेस ट्रेन के 2 कोच आपस में इस तरह भिड़ गए कि पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कबाड़ बने कोच पर बाहर से सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू मिशन को अंजाम देना पड़ा। इस भीषण ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू मिशन के एयरफोर्स को भी लगाया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। घायलों को रेस्क्यू करने के बाद फौरन अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें जल्द से जल्द इलाज मुहैया हो सके। हादसे के बाद रेस्क्यू मिशन की एक दिलाने वाली तस्वीर सामने आई है जिसे हम ठीक से नहीं दिखा सकते हैं। देखने में मंजर रेलवे प्लेटफॉर्म का थके और बेसुध सोते यात्रियों जैसा है, पर एक फर्क है यहां पर इनके हिस्से अब ना तो कोई सुबह आएगी और ना ही कोई दूसरी ट्रेन। रेस्क्यू मिशन में डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेन डॉग स्क्वाड के जरिए हादसे के बाद जिंदगी की हर संभावना को तलाशने की कोशिश की जा रही है। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में सबसे ज्यादा शव इसी जगह से निकाले गए। ऐसा क्यों हुआ यह हादसे की तस्वीरें बयां कर रही हैं। हादसे में एक ट्रेन की बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गई, कुछ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर कबाड़ तक बन गई हैं, जबकि कुछ छिटक कर ट्रैक से दूर जा गिरी। हादसे के दौरान ट्रेन का एक कोच पटरी से कई मीटर दूर जा गिरा, बुरी तरह तबाह नजर आया कोच। हादसे के वक्त ट्रेन के कई कोच पूरी तरह से पलट गए, छत का हिस्सा जमीन पर था और पहिए आसमान में। राहत कार्य में जुटी टीम कोच का निचला हिस्सा काटकर भीतर पहुंच सकी। बालासोर में हादसे के बाद एक कोच से कई शव निकाले गए, कफन में लिपटे शवों से धरती पर धीरे धीरे बढ़ता रहा सफेदी का दायरा, फसलती रही खामोशी। मालगाड़ी पर चढ़े एक यात्री कोच में दिखा दर्दनाक मंजर, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कोच में ठूसे हुए सामान की तरह नजर आए शव, जिंदगी की हर उम्मीद टूटी। बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद खुद से मदद के लिए लोग आगे आए, भद्रक के एक अस्पताल में जाकर रक्तदान किया। आलम यह था कि अस्पताल में रक्तदान करने वालों की लंबी कतार लग गई। हादसे के बाद अस्पताल में भी अपनों की तलाश करते दिखाई दिए लोग। चेन्नई जा रहा समस्तीपुर का एक युवक हादसे के बाद से लापता, परिजन दिखे परेशान। का फोन लग रहा है ना, मोबाइल स्विच ऑफ है उसका, घर का आदमी। हाँ
हादसे के बाद कई जिंदगियां राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों के भरोसे हैं। हादसे के बाद एक कोच में दो शख्स बुरी तरह से फंस गए, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास करते दिखे बचाव कर्मी। हादसे के वक्त एक कोच पलटकर दो ट्रैक्स पर जा गिरा, कोच का एक सिरा एक ट्रैक पर तो दूसरा बगल के दूसरे ट्रैक पर दिखा, ऐसा लग रहा था कि इसे किसी क्रेन से उठाकर इसी तरह रखा गया हो। घटनास्थल पर यात्रियों का अभी तक तांता लगा हुआ है, अफरा तफरी का आलम है। कई यात्रियों को अब तक अपनों की तलाश है, उनकी भगवान से यही दुआ है कि देर भले ही हो जाए जो बिछड़ा है उसकी खबर अच्छी मिले। इस बीच एनडीआरएफ के डीजी ने भरोसा दिया कि आज रात होने से पहले रेस्क्यू मिशन को पूरी तरह से खत्म कर लिया जाएगा। बालासोर में अस्पताल में भर्ती लोगों की मदद के लिए तमाम लोग सामने आए हैं। अस्पताल में घायलों के इलाज के दौरान उनके परिजनों को भोजन भी पहुंचाया जा रहा है। हादसे के बाद क्षतिग्रस्त डब्बों के मलबे में तमाम शव फंसे दिखाई दिए, इन शवों को बाहर निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। हादसे के वक्त ट्रेन के कई कोच इस तरह फट गए मानो वो मेटल से नहीं कार्डबोर्ड से बने हो, यहां तक कि कोच बीच से टेढ़े हो गए। हादसे के बाद कोच बिखरा दिखा, यात्रियों का साजो सामान यहां तक कि महिलाओं के कंगन और जेवरात भी कोच में बिखरे पड़े दिखाई दिए। आप आसानी से अंदाजा लग सकते हैं कि इन्हें छोड़ जाने वाले दुनिया छोड़ चुके हैं या फिर जिंदा हैं तो जख्मी हालत में अस्पताल में है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हादसे का दिखा खौफनाक मंजर, एक किलोमीटर से ज्यादा दूर तक नजर आए दहशत के निशान। घटनास्थल पर लगा तमाशबीनों का तांता, भारी संख्या में भीड़ जुटी, सड़क मार्ग पर जाम नजर आया। हादसे के वक्त कुछ लोगों को कोच से छिटक कर बाहर निकलते देखा गया, वो संभलते से पहले ट्रेन का मलबा उन पर गिर गया और दबकर उनकी मौत हो गई। बालासोर में घायल यात्रियों के लिए खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे लोग, कुछ लोग अस्पताल में अपने परिजनों की तलाश करते दिखाई दिए। हादसे के बाद पहली रेस्क्यू ट्रेन ओडिशा से हावड़ा पहुंच चुकी है, यात्रियों के चेहरे पर भयावह हादसे का खौफ दिखाई दे रहा है। विजयवाड़ा में ओडिशा में ट्रेन हादसे के बाद रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क खोला गया है, यात्रियों के परिजनों को दी जा रही है हर जरूरी सूचना। जम्मू में हादसा, पीड़ितों के लिए स्कूली बच्चों ने की प्रार्थना। कल हुए हादसे के बाद आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर भालासोर पहुंचे, राहत और बचाव के काम का जायजा लेते हुए रेल मंत्री ने कहा हादसे की तह तक जाएंगे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी बालासोर में हादसे वाली जगह पहुंचे, सीएम ने राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। कल हादसे के बाद कंट्रोल रूम पहुंचे थे सीएम नवीन पटनायक, एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान। सीएम नवीन पटनायक ने बालासोर में अस्पताल जाकर ट्रेन हादसे के पीड़ितों से की मुलाकात, हर जरूरी मदद का दिया भरोसा। पीएम नरेंद्र मोदी के ट्रेन हादसे पर की समीक्षा बैठक, ओडिशा रवाना हुए पहले बालासोर में घटनास्थल का लेंगे जायजा, बाद में कटक अस्पताल में घायलों से मिलेंगे। पीएम ने ट्रेन हादसे पर दुख जताया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की शोक संवेदना। रेलवे ने मृतकों के परिजनों की 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया, घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बालासोर हादसे पर जताया खेद, बालासोर हादसे के बाद आज बीजेपी ने मोदी सरकार के 9 साल से जुड़े सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ओडिशा पहुंची, बालासोर घटनास्थल का लिया जायजा, कहा एंटी कॉलिजन डिवाइस लगा होता तो ना होता हादसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बालासोर हादसे मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की शोक संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।